हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो रहने वाला है वो बैचलर कंप्यूटर इंजीनियरिंग 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट के रिलेटेड है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की पिछले दिनों में कमेंट्स आ रही थी कि सर, बैचलर कंप्यूटर इंजीनियरिंग 7th सेमेस्टर में जितने भी सब्जेक्ट है हमारे, उनके रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट शेयर करो ताकि एग्ज़ाम के रिलेटेड प्रिपरेशन स्टार्ट कर सके। सो फाइनली स्टूडेंट्स, आज से मैं आपके जितने भी सब्जेक्ट है उनके रिलेटेड डे बाय डे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट शेयर करने वाला हूँ। तो ये जो सीरीज़ चलने वाली है वो काफ़ी लंबी होगी और बीच में थोड़ी बहुत मैं GTU बैचलर IT इंजीनियरिंग एंड GTU डिप्लोमा कंप्यूटर इंजीनियरिंग के रिलेटेड भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस लेकर आऊँगा ताकि उन सभी स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हो सके। फाइनली स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारा वो AI सब्जेक्ट के रिलेटेड है। आज इस वीडियो में मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट शेयर करने वाला हूँ, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको इस सब्जेक्ट में कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है उसके रिलेटेड एडवाइस देना चाहता हूँ। ये सब्जेक्ट काफ़ी लंबा है, 12 चैप्टर्स है और उसका कोई वेटेज फिक्स नहीं है। सो आपको 50% चैप्टर्स तो कंप्लीट करने ही है और जो भी चैप्टर करो वो 100% प्रिपेयर करना, आधे अधूरे चैप्टर प्रिपेयर करके एग्ज़ाम में मत जाना। तो अब मैं आपको जितने भी इम्पोर्टेंट कंपैरिजंस है वो मैं आपको शेयर करूँगा। तो यहाँ पर रेड टेक्स्ट में जितने भी क्वेश्चंस मैंने कंपैरिजन के लिए है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और ये सभी कंपैरिजन के आंसर की वीडियो चाहिए तो कमेंट करना, तो वो मैं आपको बना के दे दूँगा। सो फाइनली स्टूडेंट्स, अब मैं आपको सभी चैप्टर के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट शेयर करने वाला हूँ। फर्स्ट नंबर का जो चैप्टर है उसमें से हर साल ऑन एन एवरेज 4 मार्क्स तक का निकल कर आता है। सेकेंड में ज़्यादा थियोरीज हर साल होती है, ऑन एन एवरेज 5 थियोरीज तो होती है और औसतन हर साल जो वेटेज रहता है वो 15 मार्क्स तक का होता है। थर्ड का औसतन वेटेज जो होगा वो 10 मार्क्स तक का होगा। फोर्थ में से थियोरीज कोई भी मार्क्स में निकल कर आ सकती है, 3, 4 या फिर 7 में, और 1 से लेकर 2 थियोरीज होती है। ज़्यादा इसमें आप फोकस नहीं करोगे तो चलेगा। फिर फिफ्थ नंबर में से ऑन एन एवरेज 7 से लेकर 12 के बीच का होता है और इसमें थियोरीज भी होती है और सम भी होते हैं, तो दोनों ही प्रिपेयर करना होता है इस चैप्टर में। सिक्स्थ नंबर में ऑन एन एवरेज 10 मार्क्स तक का निकल कर आता है। सेवन्थ का वेटेज जो होता है वो 4 मार्क्स ऑन एन एवरेज है, 4 से लेकर 7 तक का। एट में से भी ऑन एन एवरेज 3 से लेकर 7 मार्क्स तक का होता है। ये जो सेवन्थ एट नंबर का चैप्टर है वो थोड़ा एवरेज बिलो एवरेज होता है और फोर्थ नंबर का चैप्टर, फोर्थ सेवन एट एवरेज बिलो एवरेज चैप्टर है आपके, लेकिन इजी चैप्टर्स है, ठीक है। नाइन्थ नंबर का जो चैप्टर है उसमें से हर साल ऑन एन एवरेज 7 से लेकर 10 मार्क्स तक का निकल कर आता है। फिर जो टेंथ नंबर का चैप्टर है उसमें से हर साल ऑन एन एवरेज 4 मार्क्स से लेकर 7 मार्क्स तक का आता है। इलेवेंथ का जो है उसमें से ऑन एन एवरेज आपको 10 से लेकर 12-13 तक का हो जाता है, 2 से 3 थियोरीज निकलती है उसमें से। फिर जो 12th नंबर का लास्ट चैप्टर है उसमें से हर साल 3-4 थियोरीज निकलती है और उसका औसतन वेटेज जो होता है वो 7 से लेकर 12 मार्क्स तक का होता है। सो मैं आपको फिर से एक बार दोहरा रहा हूँ कि जो भी आपको चैप्टर अच्छा लगता है वो 100% प्रिपेयर करना, अधे अधूरा चैप्टर मत करना क्योंकि चैप्टर्स ज़्यादा है और उसका कोई वेटेज फिक्स नहीं है इस सब्जेक्ट में चैप्टर्स ज़्यादा होने की वजह से। और स्टूडेंट्स, ये वीडियो आप आपके फ्रेंड्स को भी शेयर करना तो वो भी इजीली इस सब्जेक्ट में पास हो जाए। आई होप स्टूडेंट्स, मैंने आपको इस सब्जेक्ट में जितनी भी एडवाइस दी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट शेयर की, वो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।